नमस्कार, डीडी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। बैतूल में गुरुवार को स्कूल परिसर के पास एक बड़े पानी के गड्ढे में डूबने से 8 वर्षीय छात्र की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्राइमरी स्कूल के 2 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार की दोपहर विवेकानंद वार्ड में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला बैतूल के कक्षा 3 में अध्ययनरत छात्र सावन पिता महेंद्र पारधे ने दिनांक 13/7/2023 को शाला में उपस्थित होकर मध्याह्न भोजन किया। उक्त दिनांक को ही दोपहर बाद छात्र सावन की शाला परिसर के निकट गड्ढे में पानी में डूबने से मौत हो गई। उक्त घटना से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि आपके द्वारा शाला में अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा के संबंध में लापरवाही बढ़ती गई है तथा आप इस घटना के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं। अतः रीता सातनकर प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला और सतीश पलेवार प्राथमिक शिक्षक को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बैतूल होगा। निलंबन अवधि में संबंधित को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसकी जगह आशा खान एवं सहायक शिक्षक और प्रमिला जैन को नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा नियम अनुसार शाला का संचालन करना सुनिश्चित किया गया है। अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज में।